الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين، मैं हूँ आपकी मेज़बान फैसल अकील. इस्तकबाल अय्याम अज़ा के उन्वान से जो हमारा शो चल रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं हक और बातिल के जो है मुतल्लिक़ कलाम इलाही, कलाम अहले बैत और कलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहादीस रसूल के रोशनी में हमने इस पूरे उनवान को जो है वो डिस्कस किया. और आज हमारी आखिरी नशिस्त होगी. हम उससे पहले दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन तमाम काविशों को कबूल करे जो मोहम्मद व आले मोहम्मद की राह में तमाम जो दुनिया में इस वक्त जारी और सारी है, और अयाम अज़ा के उनवान से, और जो है जहाँ पे भी सबीलें लग रही हैं, मातमदारी हो रही है, मुहर्रम जो है वो मनाया जा रहा है और उसमें जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद हो रहा है. अल्लाह ताला जो है दुश्मनाने अहले बैत पर लानत करे और जो है दोस्ताने अहले बैत को मुस्तहकम करे और तमाम दुनिया में अमन और सुकून जो है उसको राज करे. आज जो होगी हमारी गुफ्तगू वो बात होगी हक और बातिल के मुतल्लिक, जो कि पिछली नशिस्त में हमने कलाम इलाही से वो वाकयात डिस्कस किए जो कि थे इस्तकबाल माह अज़ा के उनवान में जो हमने हक और बातिल की गुफ्तगू की. उसमें हमने देखा कि कलाम इलाही में किस तरीके से शैतान ने जो है इबलीस से तकबर का एहसास किया, और उसके बाद हाबील और काबील का वाकया, और उसके बाद दीगर वाकया जो कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसके बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक जो है हमने डिस्कस किया कि किस तरीके की हक और बातिल की जंगें थी, किस तरह के मुआशरे थे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन किसके सामने नबर्द आजमा था, कहीं पर सिर्फ अवाम और रहबरे खुदा जो थे वो नबर्द आजमा थे, जैसे कि नूह जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी को हमने देखा. तो कहीं पर मुआशरों में जो हुकूमत थी और तहजीब थी जो बातिल की, जो जहाँ तक हम पहुँचे थे जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि एक बातिल तहजीब जो थी वो इवॉल्व हुई जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर तक, और जो है उसमें जो एक बातिल तहजीब जो थी वो बातिल तहजीब जो थी वो हक के सामने खड़ी हुई थी, हक की तहजीब के सामने, इलाही तहजीब के सामने खड़ी थी. और तहजीब में हुकूमत भी आ जाती है, सकाफत भी आ जाता है, कल्चर भी आ जाता है, रहन सहन भी आ जाता है, और ये किसी एक मुल्क के ऊपर जो है वो मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि इसमें पूरी दुनिया से जो है लोग शामिल हो जाते हैं. सो इन्हीं मौजूदात पे हम बात कर रहे थे, और आज हमारी आखिरी नशिस्त में हम जो बात करेंगे वो हक और बातिल जो है एक बातिल तहजीब का टकराव था एक हक के साथ, और जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद के उन्वान से है. और उसमें आज हम देखेंगे कि किस तरीके से एक बातिल तहजीब जो है वो हक को जो है अपने अंदर मिक्स करने की कोशिश करती है, और किस तरीके से वहाँ की रवायात, वहाँ के इकदार, वहाँ के अफकार, वहाँ की सोच और जहनीत को वो अपनी जो है दलदल में लपेट लेती है कि इंसानों को पता भी नहीं चलता, और वो समझते हैं कि वो बहुत दीनदार हैं और हक परस्त हैं, मगर वो एक्चुअली जो होते हैं यजीद जैसे जो है पलीद इंसान का साथ दे रहे होते हैं, और उन्हें कई दफा शौरी तौर पे ये कुछ कर रहे होते हैं और कई दफा बेशौरी में कर रहे होते हैं, और कई दफा हुब्बे दुनिया उनको अपनी जो है आगोश में ले लेती है, और कई दफा खौफ मौत जो होता है, मौत का खौफ वो उनको अपनी लपेट में ले लेता है. जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो किरदार है हक की सलामती के लिए, हक की वहदत के लिए और हक की जो बयान के लिए, वो आपको ये बताता है कि चाहे खौफ हो, चाहे भूख प्यास हो, चाहे जिंदगी और मौत के बीच खड़े हो, चाहे अपने सब प्यारे रिश्तों को लुटाना हो, चाहे वो जिंदगी का कोई भी पहलू हो, हम अल्लाह ताला उसके दीन के मुखालिफ किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये कलाम इलाही से साबित चीज है, और कलाम इलाही ही इस चीज की तरफ इशारा करता है. और जो दीन का हकदार होता है और दीन का अल्लाह की तरफ से संभालने वाला होता है और उसको जो है आगे लेकर चलने वाला होता है, इमाम होता है और रहबर होता है जो कि इलाही होता है, वही आपको
जो है बेहतर गाइडेंस दे सकता है। सो आज इसी मौजूद पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सैयद मुश्तबा रिज़वी साहब, और आज हमारी आपकी नशिस्त जो है हक और बातिल के उनवान से जो जारी है उसमें वो इसी पर गुफ्तगू फरमाएंगे। बढ़ते हैं अपने मेहमान की तरफ, सैयद मुश्तबा रिज़वी की तरफ। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है सैयद मुश्तबा रिज़वी। अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा रिज़वी साहब, आपको हम जो है सबसे पहले ताज़ियत पेश करेंगे आज के दिन की जो कि 10वीं मुहर्रम के का है, और इसमें हम बढ़ेंगे इसके बाद अपने टॉपिक की तरफ और देखेंगे कि तहजीब हक और तहजीब बातिल जो है वो किसी भी मुआशरे पर किस तरह असरअंदाज होती है, और किस तरीके से क्या इसमें जो है खुसूसन जो हम आशूरा मनाते हैं, करबला की याद मनाते हैं, आयामे अजा मनाते हैं, इनकी तरफ भी मैं चाहूंगी कि आप इशारा कीजिए कि ये इससे हमने एक तहजीब इवॉल्व की है ज़ाहिर है करबला के इवेंट से, तो इसमें जो है हम क्या अहदाफ है इसके, खुसूसन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखना चाहें, क्योंकि एक तो हम मनाते हैं हमारा एहसास है, मगर इमाम कैसी आज़ादारी हमसे चाहते हैं, वो कैसे देखना चाहते हैं इन सारे जो चीज़ों को हम सेलिब्रेट करते हैं तहजीब करबला के उनवान से, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपकी रोशनी और रहनुमाई चाहूंगी कि वो कौन सी अकदार, कौन सा नज़रिया है जो कि जो आज़ादारी के अंदर इवॉल्व है उसके अंदर शामिल है, और वो हमें किसकी तरफ मतवज्जो करता है आखिर, और हम कहाँ पे गलती करते हैं मसलन अगर करते हैं तो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا من المتمسكين بولاية ابن أبي طالب عليه السلام والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب سے پہلے آپ کی اور تمام سامعین و ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو شہادت جانسوز سید الشہداء و آپ کے اصحاب و انصار باوفا کی مناسبت پر تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ہمیں مقصد سید الشہداء کو سمجھنے اور اس مقصد کی خاطر اپنی جانیں و اپنے اموال ہر چیز جو ہے سید الشہداء کے نام پر قربان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے آج جو عاشورہ و محرم اور کربلا و بالخصوص خود شخصیت سید و شہداء ہے اس کو اگر ہم حق اور باطل کے مراحل میں سے دیکھنا چاہیں کہ وہ کون سے مرحلے کی عکاسی کرتا ہے تو وہ اسی پانچویں مرحلے جس کے اندر حق جو ہے وہ باطل کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے قیام کرتا ہے اور باطل ایک مکمل تہذیب کی شکل ایک ثقافت اور ایک سولائزیشن کی شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے خود سید و شہداء کا آنا تھا جیسا کہ سابقہ نشست کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا کہ جتنے بھی سیولائزیشن کے عناصر تھے وہ سارے کے سارے اس وقت کے زمانے میں پائے جاتے تھے اور انہوں نے باطل کی ایک مکمل سیولائزیشن کو تشکیل دیا ہوا تھا اس زمانے میں جو یزید کی حکومت تھی وہ بالکل جو جس طرح سے صحابہ نے اور تاریخ و مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بالکل قیصر و قصرہ کے طرز عمل کی تھی بادشاہت کا رنگ اختیار کر چکی تھی اور اپنے آپ کو وہ اسی سلسلے کا وارث سمجھتا تھا اپنے آپ کو جو ہے وہ وارث رسول اللہ نہیں سمجھتا تھا وارث اسلام نہیں سمجھتا تھا بلکہ اپنے آپ کو بھی یہی کہتا تھا کہ میں اسی سلسلہ جو بادشاہت تھا اور ملوکیت تھا اسی کا میں وارث ہوں لہٰذا اپنی تاریخ کو ان کے ساتھ جوڑتا تھا اس طرح ایک اور مذہبی طبقہ اس زمانے کے اندر موجود تھا کہ جس نے خوب دین کے اندر تحریف کی اور لوگوں کے سامنے ایک باطل اور ایک تحریف شدہ مذہب جو ہے وہ بنا کر پیش کیا اس کے علاوہ اس دور میں سرمایہ دار طبقہ تھا جیسا کہ آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ بڑے بڑے لوگ جو تھے انہوں نے بیت المال کو خوب لوٹا اپنے اطرافیان اور ان کے جو خاندان والے اعزہ اقارب
और जो कबीले वाले थे उनको उसी बैतुल माल से खूब नवाजा, और इस तरह से बैतुल माल के ज़रिए से वो लोग बड़े बड़े सरमायादार बन चुके थे। इसके अलावा उस ज़माने में टेक्नोलॉजी भी मौजूद थी, एक हद तक अपनी टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें मौजूद थीं। चूँकि सरकारी जो मीडिया था वो नमाज जुमा की शक्ल में होता था, और नमाज जुमा उसकी जो हैसियत थी कि जो बादशाह वक्त के फरामीन होते और बादशाह वक्त के जो अहकामात और उसकी मर्जी और मंशा जो होता होती वो सब के सब उसी नमाज जुमा के ज़रिए से फैलाया जाता था। इसी तरह एक और जो मीडिया था उस ज़माने में वो खुद अहादीस के रावी थे, उनकी हैसियत उस ज़माने में एक मीडिया की सी थी। यानी आज हम उनको एक बहुत ही सादे से अमल के तौर पर देखते हैं, जबकि वो जो थे उस ज़माने में जो उनकी हैसियत थी वो एक मुकम्मल मीडिया की हैसियत इख्तियार कर चुके थे। बस आप देखें, मीडिया भी उसके पास मौजूद है, सारी चीज़ें उसके पास मौजूद हैं, और जो उसके अनासर हैं, जो तहजीब और सिविलाइजेशन के जितने कंपोनेंट्स होते हैं, जितने अनासर होते हैं, वो सब के सब उस दौर में पाए जाते हैं। उस ज़माने में चूंकि बनी इसराइल जहनी तौर पे फिरौन के ग़ुलाम थे और उनकी अक्लें उस तहजीब के सामने मुसख़र हो चुकी थीं, लिहाजा खुदावंद मुताल ने हज़रत मूसा को वो सारे की सारी चीज़ें फराहम कीं, वो सारे के सारे वसाइल दिए, वो सब के सब मोजज़ात दिए जिसके ज़रिए से किसी तहजीब को डुबोया जा सकता है। और क्यों खुदावंद मुताल ने फिरौन और उसके लश्कर को बनी इसराइल की निगाहों के सामने गर्क किया? क्योंकि उनके जहनों के अंदर से वो जो इस तहजीब के असरात थे उसको मिटाना ज़रूरी है, और जब तक ये जहनी तौर पे आज़ाद नहीं होंगे लिहाजा उस वक्त तक ये लोग कभी भी जो है वो खुदावंद मुताल के नबी और खुदावंद मुताल की ज़ात के ऊपर ईमान नहीं ला सकते। अब यहाँ से हम आते हैं सैयदुल शुहदा की तरफ, फौरन मुंतकिल होते हैं। तो आपकी जो तहरीक है, वो आपकी जो नहजत है, आपका जो क़याम है, उसके अंदर भी यही अनासर पाए जाते हैं, और आपने भी बेआईनी ही यही काम किया, लेकिन ये काम आपने अपनी शहादत के ज़रिए से फरमाया कि वो लोग कि जो जहनी तौर पे शिकस्त खा चुके थे और जहनी तौर पे कबूल कर थे, अब इन लोगों को आपने दिखाना है यजीद की शिकस्त, उस बातिल की शिकस्त। सैयद शहदा का क्या हुकूमत या एक मुआशरे के खिलाफ नहीं था, बल्कि आपका काम मुकम्मल बातिल तहजीब के खिलाफ था, और आपने उसके तमाम अनासिर के खिलाफ जो है वो एक मुकम्मल क्याम फरमाया। और न सिर्फ ये कि आपका काम जो था वो सिर्फ और सिर्फ उसी ज़माने की तहजीब के मुकाबले में था, बल्कि आपके बाद ये जो क़याम सैयदुश्शुहदा को आज़ादारी की शक्ल देकर खानवादाए शुहदा यानी उसरा और बीबियों ने, और बिलखसूस बीबी ज़ैनब ने इसको आगे जारी रखा, उसका मकसद ही यही था कि इस क़याम को एक ऐसी शक्ल दी जाए, इसको एक ऐसी मूवमेंट में तब्दील किया जाए कि जिसके सामने कोई बातिल की सिविलाइजेशन, कोई बातिल की तहजीब न टिक सके। और ये क़याम, ये आज़ादारी, ये हर एक सिविलाइजेशन को मिटा दे। यहाँ पर एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है कि जो बहुत ही अहमियत का हामिल है, और वो ये नुक्ता है कि तलवार का मुकाबला तलवार से किया जा सकता है, लेकिन अफकार का मुकाबला कभी भी तलवार से नहीं किया जा सकता। अगर आप अफकार का मुकाबला तलवार से करने की कोशिश करेंगे, उस सूरत में शिकस्त आपकी यकीनी होगी, बल्कि अफकार का मुकाबला करने के लिए आपको अफकार की ही ज़रूरत होती है। इसी तरह सकाफत का मुकाबला सकाफत से कर सकते हैं, और तहजीब व तमद्दुन सिविलाइजेशन का मुकाबला सिविलाइजेशन से ही हो सकता है। आप सिविलाइजेशन के मुकाबले में अगर अफकार लाने की कोशिश करेंगे, या आप तलवार लाने की कोशिश करेंगे, या हत्ता कोई हुकूमत, कोई गवर्नमेंट लाने की भी कोशिश करेंगे, तो यकीनन शिकस्त खा जाएंगे। यानी कोई हुकूमत भी सिविलाइजेशन के मुकाबले में नहीं ठहर सकती। लिहाजा अगर सिविलाइजेशन का मुकाबला करना है तो वो मुकाबला सिर्फ और सिर्फ सिविलाइजेशन से ही हो सकता है। अब जिस तरह से हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ये जो सिविलाइजेशन है,
ये इंसानी जो मजमुआ है, इंसानी जो कलेक्शन है, उसकी बिगेस्ट फॉर्म सिविलाइजेशन कहलाती है। यानी आप एक ऐसा बेसिस ढूंढने की कोशिश करें जिसके अंदर आप मैक्सिमम लोगों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। मिसाल देता हूँ आपकी खिदमत में, एक मुआशरा है वहाँ पर जबान बोली जाती है। ये जो जबान है ये तमाम लोगों का ताल्लुक एक दूसरे के साथ जोड़ देती है। या लिबास, ये लिबास एक ऐसी बेसिस बनता है कि जो लोगों का ताल्लुक एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। लेकिन जबान, लिबास, कौमियत, लिसानियत, ये सब के सब एक महदूद सतह के ऊपर ताल्लुक जोड़ते हैं। लेकिन सिविलाइजेशन उस कलेक्शन को कहते हैं कि जो इतनी ताकत व इतनी सलाहियत रखती है कि यूनिवर्सल सतह पर सब लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर दे। कोई आदमी मशरक में बैठा है तो कोई मगरब में बैठा है, कोई जापान में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई यूरोप में है, कोई मिसाल के तौर पे सऊदी अरब में है। ये सारे के सारे लोग अगर एक सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये सब का सब एक ही कलेक्शन शुमार होता है। इससे बड़ा कलेक्शन कोई और हमारे पास जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये फाइनल और लास्ट कलेक्शन है जिस तक अक्ल बशरी पहुंची है। अब हक और बातिल का मुकाबला जब एक नबर्द यानी और एक सिविलाइजेशन की नबर्द इख्तियार कर चुका, सिविलाइजेशन का मारका और वॉर और क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस इख्तियार कर चुका है, तो हमारे पास एक हक की सिविलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर हमारे पास एक हक की सिविलाइजेशन नहीं होगी, उस सूरत में हम कभी भी बातिल की सिविलाइजेशन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर हम कोशिश ये करें कि बातिल की सिविलाइजेशन को तलवार के ज़रिए ख़त्म करें, तोपों के ज़रिए, टैंक के ज़रिए, एटम बम के ज़रिए ख़त्म करें, हम हमेशा शिकस्त खा जाएंगे। बस सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का जो आज़ादारी है ये एक सिविलाइजेशन की शक्ल रखती है। एक तहजीब, एक सकाफत और सकाफत से बढ़कर एक तमद्दुन जिसका एक तारीखी बैकग्राउंड है, क्योंकि सिविलाइजेशन के लिए एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी, उसकी तारीख के अंदर एक बेसिस होनी ज़रूरी है। लिहाजा हम जितनी भी सिविलाइजेशंस पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे रोम, इजिप्ट या खुद सब कॉन्टिनेंट की सिविलाइजेशन, तो आप देखें कि इनके पीछे मुकम्मल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद होता है। लिहाजा इस सिविलाइजेशन जो सैयद शहदा की आज़ादारी की सिविलाइजेशन है, इसके पीछे एक मुकम्मल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मौजूद है। और इसके अंदर पोटेंशियल कितना है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि ये पोटेंशियल अगर फुली यूटिलाइज किया जाए, इसको हम मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करें, तो इसके सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। सिविलाइजेशंस में एक और चीज़ आपकी खिदमत में बस अर्ज़ करता हूँ, ये आखिरी नुकता, और वो ये है कि सिविलाइजेशंस के लिए एक बेसिस और फाउंडेशन होना ज़रूरी है। सिविलाइजेशन के मुताल्लिक एक और नुकता आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ जो एक बहुत ही अहमियत का हामिल नुकता है, और वो ये है कि सिविलाइजेशंस की हमेशा बुनियाद और उनकी फाउंडेशन जो है किसी न किसी मोहकम चीज़ के ऊपर होना ज़रूरी है। मोहकम चीज़ से मुराद ये है कि एक ऐसी चीज़ जो सिविलाइजेशन की बेसिस हो कि जो बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ खींच सके, बहुत सारे लोगों को अपना हिस्सा बना सके। यहाँ पर आपकी खिदमत में एक दो अगर मिसालें अर्ज करूँ तो आपको ये मतलब ज़्यादा वाज़े हो जाएगा। और वो ये है कि मिसाल के तौर पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो मगरबी सकाफत है, उसने अपनी बेसिस जो है वो इंसान की जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उसको करार दिया है। नफसानी ख्वाहिशात के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे बड़ी इंसान की नफसानी ख्वाहिशात उसकी जिनसी ख्वाहिश है, और उसके बाद उसके शिकम यानी उसके पेट की ख्वाहिश, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो करार दी हैं। अब ये जो इसने इन चीज़ों को अपनी फाउंडेशन और बेसिस करार दिया है, तो ये चीज़ें हर एक में पाई जाती हैं। ये ख्वाहिशात का अंसुर ये हर इंसान में कॉमन है। लिहाजा आप देखें कि इस सिविलाइजेशन ने जितनी तेज़ी के साथ फैलाव किया, जितनी तेज़ी के साथ जो है ममालिक को तस्खीर करना शुरू किया, और उसकी बुनियाद भी यही थी कि उन्होंने ऐसे नुक्ते के ऊपर हाथ रखा और उस नुक्ते से
इंसानों को एक्सप्लाइट करना शुरू किया, उस नुक्ते से इंसानों से सु इस्तेफादा करना शुरू किया कि जो नुक्ता हर एक में पाया जाता है और वो इंसान की जिनसी ख्वाहिश है। यहाँ तक कि बाज जो फिलोसफर्स थे जैसे सिगमंड फ्राइड है, जो एक बेसिकली उसका काम फिलॉसफी देना नहीं था बल्कि वो एक बेसिकली डॉक्टर था और उसने जो है वो इंसान के ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसने यहाँ तक यही कह दिया, यानी ये अपने यानी इस सिविलाइजेशन की बेसिस बना रहा था कि इंसान इज़ अ सेक्सुअल एनिमल, कि इंसान है ही जिनसी जानवर, उसका काम ही क्या है, जिनसी ख्वाहिश को पूरा करना है। और उसने ये कहा, फिर उसने बहुत सारे लोगों की मिसाल दी कि बहुत सारे लोग जो अपनी दुनिया में नाकाम होते हैं वो इस वजह से होते हैं क्योंकि उनकी ये डिज़ायर सही तौर पे फुलफ़िल नहीं होती। और नज़रिया उसने ये दिया कि आप इस डिज़ायर को मुकम्मल तौर पे आज़ाद छोड़ दें, जो ये जिनसी नेसेसिटी है और डिज़ायर है, इसको इंसान जिस तरह से फुलफ़िल करना चाहे आप उसको करने दें और इस राह में कोई पाबंदी कोई रुकावट ना लगाएं। बस आपकी खिदमत में एक मिसाल अर्ज की। इसके अलावा और जो दीगर सिविलाइजेशंस हैं उनके अंदर भी इसी किस्म की कोई ना कोई चीज़ होती है जिसको वो अपनी बेसिस करार देते हैं। अब यहाँ पे सैयदुश्शुहदा की जो सिविलाइजेशन है उसकी बेसिस क्या है, उसके अंदर क्या नुक्ता पाया जाता है कि जो मैक्सिमम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है और मैक्सिमम लोगों को जो है वो अपने दायरे के अंदर ले सकती है, यानी कोई ऐसा कॉमन पॉइंट होना चाहिए कि जो हर इंसान के अंदर मौजूद हो, जो हर इंसान के अंदर पाया जाता हो, और वो है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। ये जो नुक्ता है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये नुक्ता हर एक में पाया जाता है, ये हर इंसान के अंदर मौजूद है। हत्ता यहाँ तक आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि वो इंसान कि जो हर गुनाह करता है, इनफरादी हर गुनाह करता है, उसकी ज़ात के अंदर हर बुराई पाई जाती है और वो खुद इसका एतराफ़ करता है। मिसाल के तौर पे वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं जो ड्रिंकिंग भी करते हैं, जो मिसाल के तौर पे और सारे काम करते हैं, खुद ये लोग भी जो है वो जुल्म को बुरा समझते हैं। ऑपरेशन जब कोई ऐसे मनाजिर पेश किए जाएँ कि जब कोई आदमी किसी खातून बच्चे या बूढ़े या हत्ता किसी दूसरे नौजवान मर्द के ऊपर तशद्दुद करता है, उसके ऊपर जुल्म कर रहा है, तो इनके भी एहसासात जो है उभर जाते हैं और वो भी अपने दिल के अंदर जालिम के खिलाफ नफरत व मजलूम से हमदर्दी करते हैं। बस आपने ये नुक्ता मुलाहिजा फरमाया। अभी या इसी तरह जो हालिया सबसे वाकया रोनुमा हुआ अमरीका के अंदर बेतहाशा मुजाहरे किए गए, किस के हक में, वो एक स्याफाम इंसान कि जिसको अमेरिकी जो है वो सिपाही अमेरिकी पुलिस अफसर ने बड़ी बेदर्दी के साथ जिसके गले के ऊपर अपना घुटना रख के उसका गला घोंटा, उस एक स्याफाम जिसके अंदर यानी कोई आप कहें कि उसकी पर्सनालिटी की वजह से नहीं कि उसकी कोई बहुत अच्छी पर्सनालिटी, क्योंकि हम उसकी पर्सनालिटी के बारे में नहीं जानते, हम उसके बारे में कोई इजहार ख्याल नहीं कर रहे, या कोई ये कहा जाए कि कोई इतनी आला कोई इतनी बड़ी पर्सनालिटी थी जिसके खिलाफ जुल्म हुआ तो लोगों ने आवाज़ बुलंद की, ना एक मामूली सा इंसान उस मुआशरे के अंदर रहने वाला, लेकिन जब उस पर जुल्म हुआ तो सारे के सारे लोग, चाहे स्याफाम थे या सफ़ेद फाम, गोरे थे या काले, किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले थे, सब के सब उसके खिलाफ जो है वो उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के अंदर शरीक हो गए थे। यह इसी तरह चंद सालों पहले की बात है और ये वाकया हम जो है वो बार बार भी मुलाहिजा करते हैं, और वो ये है कि खुद इसराइल जो एक मुमलिकत ही जो है वो जुल्म के ऊपर बनी हुई है, जिसने बहुत सारे लोगों का हक गस्प किया है, बेतहाशा मुसलमानों को अपने घर बार से निकाला और फलस्तीन के ऊपर काबिज हैं, यहाँ पर भी बाज़ औक़ात हमें ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं कि जब वो आम लोग कि जिनका इस जुल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी ताल्लुक बे इन माना कि वो बराह रास्त अपने हाथ से क्या नाम है जुल्म में शरीक नहीं है, वो लोग जब ऐसे मनाजर देखते हैं, ऐसे जुल्म व सितम देखते हैं, तो वो भी तेल अवीव के अंदर या मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है क्या नाम है वो सोशल इनजस्टिस, समाजी जो है वो जुल्म और समाजी जो है बेअदालती के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं।
बस इसका मतलब है कि ये एक ऐसी बुनियाद है, एक ऐसी बेसिस है कि जो हर एक के अंदर जो है वो पाई जाती है। मजहब, रंग, नस्ल, कौमियत, इससे मावरा होकर ये नुक्ता जो है वो हर एक के अंदर पाया जाता है। लिहाजा हिंदू भी करबला से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है, किस नुक्ते के अंदर, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने में, और इन तमाम चीजों से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है। बस ये करबला के अंदर जो उंसुर है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का, ये इसको एक ऐसी सिविलाइजेशन में तब्दील करने की सलाहियत रखता है, एक ऐसी तहजीब, एक ऐसे तमद्दुन के अंदर उसको तब्दील करने की सलाहियत रखता है कि जो तमद्दुन बड़े बड़े बातिल के तमद्दुन से टकरा कर उसको मुकम्मल तौर पे पाश पाश कर देता है। लिहाजा और इसी का नमूना हमने जो है वो 1979 के अंदर इनकलाब इस्लामी की शक्ल में देखा कि इनकलाब इस्लामी की भी जो अजमत है और इसका भी जो कमाल है वो ये नहीं कि सिर्फ शाह की एक हुकूमत को गिरा दिया, ना, हुकूमत को गिराया नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को गिराया होता तो कुछ अरसे के बाद ये मुल्क दोबारा किसी और सिविलाइजेशन का शिकार होकर वापस उसी डगर के ऊपर आ जाता। अब पहले यहाँ पे बादशाहत थी तो उसके बाद यहाँ पर कोई और सिस्टम आ जाता। पहले मिसाल के तौर पे पहलवी खानदान हाकिम था तो कोई और खानदान यहाँ के ऊपर वो हाकिम बन जाता। लिहाजा इसका कमाल सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक हुकूमत को गिराया, बल्कि इसने एक मुकम्मल सिविलाइजेशन को शिकस्त दी। और इसके जो रहबरान थे यानी इमाम खुमैनी, आपका ये फरमाना था कि हमने ये जो इनकलाब बर्पा किया है ये हमने कहीं बाहर से नहीं लिया, कम्युनिस्ट से नहीं लिया, हमने मार्क्सिज्म से कोई चीज़ नहीं सीखी है, हमने किसी और जो है रेवोल्यूशनरी शख्सियत से कुछ हासिल नहीं किया, हम चिग्वेरा से मुतासर नहीं हुए, हम मिसाल के तौर पे कार्ल मार्क्स के पैरोकार नहीं हैं, ये हम जो है किसी और जो है वो अब्राहम लिंकन के जो है वो फॉलोअर्स में नहीं है, बल्कि हमारे पास एक अपना जो है वो मकतब और आइडियोलॉजी मौजूद है, एक अपनी सिविलाइजेशन है कि जिस सिविलाइजेशन को जब सही तौर पे पेश किया तो वो उस बातिल की सिविलाइजेशन से टकरा गई और वो एक अजीम इनकलाब रूनुमा हुआ। बस आपकी खिदमत में जो अर्ज़ किया उसका खुलासा ये बनता है कि ये जो आज़ादारी है ये एक मुकम्मल सिविलाइजेशन है कि जिसके अंदर ता कयामत आने वाले तमाम बातिलों से टकराने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने दो तहजीबों के फर्क को वाजे किया और बताया कि किस तरीके से दो तहजीबें आपस में अफकार की अफकार से जंग होती है और अफकार ही अफकार को शिकस्त दे सकते हैं, बनिस्बत इसके कि हम एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठाएं या कोई और गलत रास्ता अपनाएं, बल्कि अपने अफकार के जरिए हम इन जंगों को जीत सकते हैं। बहुत खूबसूरत आपने बयान किया, लेकिन क्या वजह है कि हम साल हर साल इनकलाब का भी आपने जिक्र किया, और जाहिर है अभी ये कोई इतना पुराना वाकया नहीं है, ये 100 साल पुराना ही वाकया है कि जिसमें एक फर्ज कर लें कि जिस तरह तहजीबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लिए गए अफकार को अहया किया गया और उसको इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो बाकी जगहों पे है जिस तरह हम देखते हैं फलस्तीन है, कश्मीर है, दूसरे हमारे दुनिया में यमन है वो मालिक हैं, और हम सारी दुनिया में जाहिर है मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वाले भी हैं और इस जिक्र को बुलंद भी करते हैं और मोहब्बत और इश्क और हरारत भी पाई जाती है हर एतबार से, अगर हम देखें जज्बाती एतबार से, तो क्या वजह है कि हम अभी तक अपने इन मसाइल को उस तरीके से हल नहीं कर पा रहे जो कि इस तहजीब से, जो इस तहजीब के अफकार से, जो तहजीब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के परस्पेक्टिव में मिलती है, और कहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्यों हम हर साल लाखों अरबों रुपए खर्च करते हैं आजादारी के ऊपर और मोहब्बत से करते हैं, इश्क से करते हैं, जो कि एक समझ में आने वाली बात है, ताकि जिक्रे इमाम हुसैन बुलंद हो, और ना सिर्फ बुलंद हो इंसानों के अंदर वो हरारत आज भी पाई जाती है जिक्र से, मगर हम कहाँ गलती करते हैं, क्या मुश्किल है इस सारे माहौल में जो हम इस आजादारी के जो रूह है, जुल्म के खिलाफ नफरत है और जुल्म के खिलाफ स्टैंड लेना है और उसको खत्म करना है सफाई हस्ती से कम अपनी जात के अंदर जो जुल्म है, चाहे मुआशरे में जुल्म है, चाहे घर में जुल्म है, चाहे इर्द गिर्द जुल्म है, हम उसको नहीं रद्द कर पाते, अगर हम
खानदान को भी देखिए, ज़ाहिर जुल्म तो जुल्म है, चाहे एक फर्द फर्द पे करे, खानदान खानदान पे करे, गली मोहल्ले के लोग एक दूसरे के खिलाफ करें, शहर शहर के खिलाफ करें, तो क्या वजह है कि इंसान अपनी, हम अगर मातम करने पे आए, रोने पे आए, दुख मनाने पे आए, तो इसमें कोई शक नहीं कि हम ज़ाहिर है मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं इमाम से, और हम दिल से जज्बात से रोते हैं। तो कहाँ हम गलती करते हैं कि अपने जात के अंदर जो जुल्म है, जो हम दूसरों के साथ करते हैं, जुबान से, अफकार से, गाली गलौज से, बद इखलाकी से, बद किरदारी से, किसी का हक गसब करके उसको भी नहीं हम रद्द कर पाते, फिर वही चीज जो मुआशरे में राइज होती है उसको भी नहीं रद्द कर पाते, फिर वही चीज जो पूरी दुनिया में, जिस तरह फलस्तीन हो गया, यमन हो गया, दूसरी दुनिया में जो हमारे इस्लामी ममालिक में इंसानों के साथ जुल्म हो रहे हैं, उन मसाइल को भी हम हल नहीं कर पा रहे, आखिर क्यों, क्या वजह है? ये आपका बहुत खूबसूरत सवाल है और इसका ताल्लुक जो है वो खुद इस चीज़ की तरफ जाता है कि दुरुस्त है कि हमने आज़ादारी को लिया है और हमने आज़ादारी को गम मनाने में खूब इसका गम मनाने का शायद एक तरह से कहा जाए हक भी अदा कर दिया है। यहाँ पर एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जो मुश्किल आज़ादारी के साथ पेश आई और वो ये है कि देखें आज़ादारी की जिस तरह से मिसाल दी, ये आज़ादारी की मिसाल एक सैलाब की मानिंद है। जब किसी इलाके में सैलाब आता है तो जो भी चीज़ इस पानी के सैलाब, इस पानी के रेले के सामने आएगी ये उसको मुकम्मल तौर पे मिसमार करके बहा के ले जाएगा। इसी तरह ये जो आज़ादारी, ये सैयद शुहदा की जो नहजत और क़याम, ये एक सैलाबी रेले की तरह से आया और इसका काम था कि सब जालिमों, सब बादशाहों, सब हुकूमतों को मिसमार कर दे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आई और जालिमीन ने जो है क्या नाम है इसका ख़तरा खूब महसूस किया। और तभी आप देखें कि अगर तारीख़ का थोड़ा सा मुतालिया करें कि बनू उमैया व बनू अब्बास की सारी कोशिश यही थी कि किसी तरह से सैयदुश शुहदा के इस कारनामे और आपके इस क़याम को लोगों के अजहान से मिटा दें। तभी आपकी ज़्यारत के ऊपर पाबंदी लगाई गई, जो इमाम हुसैन की ज़्यारत पर जाना चाहता था तो उसके लिए बहुत सख्त शरायत रखी गई। कितनी मर्तबा इमाम हुसैन के रोज़े को मिसमार करके, आपकी कब्र के निशानात मिटाकर, उस जगह पे मुकम्मल हल चलाकर वहाँ पर एक तरह से कोशिश की गई कि यहाँ पर खेतें लगा दें, यहाँ पर और कोई चीज़ बना दीजिए। और वो जो वाक़या था, वो जो इमाम हुसैन का क़याम था, उसके आसार तक मिटा दिए जाएँ। इसके अलावा जो ज़्यारत पर जाना चाहता था और बिलखुसूस अब्बासी खुलाफा जो कि बनु उमैया से भी ज़्यादा खूनखार और अहले बैत के दुश्मन थे, उन्होंने यहाँ तक किया कि ज़्यारत इमाम हुसैन के ऊपर टैक्स लगाया। और उनका टैक्स ये होता था कि जो भी ज़्यारत इमाम हुसैन पर जाना चाहता है उसको एक हाथ कटवाना पड़ेगा। एक मरतबा जाना है एक हाथ कटाए, दूसरी मरतबा जाना है दूसरा हाथ कटवाए, तीसरी मरतबा जाना है तो टांग, और चौथी मरतबा तो अपनी दूसरी टांग कटवाई। इस हद तक जो है वो शिद्दत आई और इस हद तक उन्होंने जो है वो इसको रोकने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ से आयमाए मासूमीन की सारी ताकीद, और आपने मुकम्मल जोर दिया, कहा कि हाथ कटवाने पड़े हाथ कटवाएं, लेकिन फिर भी आप ज़्यारत सैयद शहदा के ऊपर जाएं। या जिस तरह से आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि सैयद शहदा की आज़ादारी के लिए बाकायदा तौर पे एक फ़ंड मुकर्रर किया, एक बजट मुकर्रर किया, और जब भी एक इमाम की शहादत होती अपने बाद वाले इमाम को पैसे देते कि इन पैसों से आपने मिना के अंदर हज के मौके पर आज़ादारी को बरपा करना है। बस ये जो है आइमा की कोशिश थी। दूसरी तरफ से जालिमीन को ख़तरा महसूस हुआ, कुछ अरसे तक इन्होंने रोकने की कोशिश की कि हम किसी तरह से इसको रोक लें, लेकिन देखा कि ना ये रोकने से रुकने वाला नहीं है। बस इन्होंने यहाँ पर किया कि इसका रुख मोड़ दिया जाए, यानी हम इस आज़ादारी को ख़त्म नहीं कर सकते, ये हमारे बस से बाहर है। सारी कोशिश कर ली, हर बादशाह ने अपनी मुकम्मल तवानाई लगा ली, लेकिन जब उसको ये अंदाज़ा हो गया कि ना ये हमारे रुकने से रुकेगा नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसको रोकने के बजाय इसको अपनी तरफ से कहीं और मोड़ के ले जाओ। लिहाजा इस वजह से इस आज़ादारी के अंदर खुराफात को डाला गया, आज़ादारी के अंदर रसूमात को डाला गया, आज़ादारी के अंदर ऐसे आमाल को डाला गया कि जो मकतबे तशय्यो की बदनामी का बायस बन गए, जिनकी वजह से दूसरे ना सिर्फ ये के पैगाम सैयद शहदा की तरफ नहीं आते
बल्कि पैगाम सैयदुश्शुहदा से दूर होते हैं, और यही कहते हैं कि अगर सैयदुश्शुहदा का पैगाम ये अमाल हैं कि जो ये लोग अंजाम दे रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि हम तशय्यो और पैगाम सैयदुश्शुहदा की तरफ ना जाएं। लिहाजा ये एक अजीबोगरीब, मिसाल के तौर पे आप देखें क्या क्या चीज़ें डाली गई, आज़ादारी के नाम पे मिसाल के तौर पे खून निकालना, ऐसे काम करना कि जिससे इंसान का खून निकले, और उसकी फिर मुकम्मल तौर पे कवरेज की जाती है, मुकम्मल तौर पे वीडियोस बनाकर बड़ी मकदार में आलमी मीडिया के ऊपर मुंतशर की जाती हैं। क्यों कभी आज़ादारी का सही चेहरा नहीं दिखाते? क्योंकि मालूम है कि आज़ादारी का सही चेहरा दिखाएंगे सबके सब लोग खींचे हुए चले आएंगे। लिहाजा आज़ादारी का चेहरा मस्क करके व आज़ादारी का चेहरा एक तरह से उसको जो है वो अब बिगाड़ कर दूसरों के सामने पेश किया गया। बस आज़ादारी के अंदर जो तहरीफात वाक़ हुई, उन तहरीफात की बिना पर, जिस तरह तहरीफ का माना आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि हक के मुकाबले में एक काम तहरीफ हक होता है, खूब आज़ादारी के साथ भी यही हुआ कि तहरीफ आज़ादारी की गई व तहरीफ करबला की गई। और इस मौजू को मुफक्किर इस्लाम शहीद मुर्तज़ा मुतहरी रिजवानुल्लाह ताला अलैह ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया है। किस किस जगह तहरीफ की गई? आप फरमाते हैं कि सैयदुश्शुहदा को तीन तरह से शहीद किया गया। एक जिसमें सैयदुश्शुहदा को शहीद किया गया, जो उस जमाने में उन मलऊनीन ने ये जिनायत अंजाम दी और ये जुल्म किया, लेकिन कहते हैं कि आज तक सैयदुश्शुहदा को शहीद किया जा रहा है। एक किरदार सैयदुश्शुहदा को शहीद किया, जो बाद वाले लोगों की कोशिश होती थी यानी जालिमीन की, और उससे बड़ा जुल्म मकसद सैयदुश्शुहदा को शहीद करना है कि जिस मकसद को बचाने के लिए सैयदुश्शुहदा ने अपनी जान कुर्बान की। बस तहरीफ करबला यानी मकसद सैयदुश्शुहदा को शहीद कर देना। बस जब करबला में तहरीफ हो गई, करबला में इमाम हुसैन को मजलूम दिखाया गया, मजलूम इस माना में कि इमाम हुसैन घेर करके मजबूर हो करके इस तरीकों से करबला आ गए। या आप फौरन देखें कि जैसे ही वाकया करबला रूनुमा हुआ, तो एक और नज़रिया जो पेश किया गया वो नज़रिया तकदीर था। नज़रिया तकदीर ये है कि अल्लाह ने इंसानों की तकदीर पहले से लिखी हुई है, कातिल भी पहले से उसकी पेशानी के ऊपर लिखा है कि ये कातिल होगा, मकतूल की पेशानी पर भी लिखा है कि ये मकतूल होगा, और कातिल का भी कोई अमल दखल नहीं है, अपनी तकदीर को तब्दील नहीं कर सकता, और मकतूल भी अपनी तकदीर को तब्दील नहीं कर सकता। लिहाजा उन्होंने फौरन ही इस जुल्म की तौजीह शुरू की और इन शुहदाए करबला व मकसद सैयदुश्शुहदा को इस तरह से शहीद करना शुरू किया कि अगर सैयदुश्शुहदा मारे गए तो इसमें इनका कोई कमाल नहीं, इसी तरह से लिखा था। अब जबकि कलम तकदीर चल चुका है तो उसको कोई वापस पलटा नहीं सकता, और जिन्होंने कत्ल किया है उनके मुताल्लिक भी कलम तकदीर ने यही लिखा कि ये लोग कातिल हैं, लिहाजा इनकी तकदीर भी कोई नहीं तब्दील कर सकता। बस बड़े पैमाने के ऊपर इस आज़ादारी के अंदर व मकसद सैयद शहदा के अंदर तहरीफ की गई। मसाइब के मुताल्लिक झूठी रिवायात, आज़ादारी का मकसद सिर्फ और सिर्फ सवाब बताना कि इमाम हुसैन क्यों शहीद हुए, इसके बारे में भी बेतहाशा ऐसे फलसफे ऐसे मकासद घड़े गए कि जो सैयद शहदा के कलाम से 180 दर्जा बरअक्स हैं, बिल्कुल किसी और सम्प में जाते हैं। एक तौजीह वही की कि जो ईसाइयों ने हजरत ईसा की, जो उनके अपने गुमान में मौत है, उसकी तौजीह की कि ईसा सलीब पे चढ़ गए, तमाम उम्मते ईसा तमाम नसरानियों के और मसीहियों के गुनाह माफ करवा गए हैं। ये ईसा मसीहियों के गुनाह की सजा में जो है वो सलीब के ऊपर चढ़ गए। खूब यहाँ पर मुसलमानों ने भी यही काम किया कि मौला इमाम हुसैन क्यों शहीद हुए, तमाम मुसलमानों के गुनाह की को माफ़ करवाने के लिए उसका कफारे के तौर पे इमाम हुसैन शहीद हो गए। बस ये जो आज़ादारी है, खूब ये तो किसी को माफ़ नहीं कराती, ये तो किसी को उठाती नहीं है। ये जो आज़ादारी का चेहरा हमारे सामने मौजूद है, ये आज़ादारी तो किसी को जालिम के खिलाफ नहीं उठाती, बल्कि ये आज़ादारी तो उल्टा गुनाहों की तरफ ज्यादा लेकर जाती है कि जितने गुनाह करना है कर लो, वहां पर तो मौला इमाम हुसैन तुम्हारी शफाअत के लिए बैठे हैं, और तुम्हारे गुनाह तो जाते के साथ ही बस एक दफा कहा या हुसैन और सब का सब बिल्कुल आपके नामे आमाल पाक
पाक व पाकीज़ा हो जाएगा। बस ये जो अज़ादारी के अंदर तहरीफ रूनुमा हुई, ये जो अज़ादारी को बिगाड़ा गया और अपने हदफ से मोड़ कर किसी और सम्त लगा दिया गया, इसने जो है वो अज़ादारी से ये पोटेंशियल उसको ले लिया, ये यूं कहा जाए जैसे इस पोटेंशियल को डिफ्यूज़ कर दिया, इस पोटेंशियल को जो है वो कुछ अरसे के लिए खामोश कर दिया। लेकिन जैसे ही आज़ादारी को दोबारा अपने ट्रैक के ऊपर डाला गया, आप देखें आज़ादारी फौरन अपना असर दिखाती है। आज जो ये मिल्लतें जो मुकावेमत कर रही हैं, दुरुस्त है कि इनके ऊपर बेतहाशा जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, यमन में जुल्म हो रहा है, लबनान के ऊपर जुल्म हुआ था, और लबनानियों ने अभी अपना मुल्क किस तरह से इसराइल से आज़ाद कराया, जबकि आधे से ज़्यादा मुल्क बैरूत के ऊपर इसराइल का परचम था, वो भी मौला इमाम हुसैन के नाम से, लब्बैक या हुसैन के शियार से, और करबला की याद में और मातम करते हुए व गिरिया करते हुए इसी से दर्स लेकर उन्होंने अपना वतन आज़ाद कराया। असलहे के जोर पे नहीं आज़ाद कराया, बल्कि जोश जज्बे और वलवले से आज़ाद करवाया। फ़लस्तीन के मोमिनीन व फ़लस्तीन के मुसलमान मुकावेमत कर रहे हैं, यमन के अंदर मुकावेमत है, कश्मीर में मुकावेमत है, नाइजीरिया जो एक बहुत बड़ी मिसाल है जिसके अंदर इस ज़माने के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई, बहरीन उसके अंदर एक बहुत बड़ा शियों का एहतजाज और हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, ये सब का सब उस वक्त हुआ कि जब इमाम खुमैनी ने आज़ादारी का सही चेहरा लोगों के सामने पेश किया और आज़ादारी का ये पोटेंशियल व आज़ादारी के अंदर ये ताकत और तवानाई लोगों के सामने बयान की। बस आपने मुलाहिजा फरमाया कि किस तरह से आज़ादारी को मस्ख किया गया, इसकी तहरीफ की गई, जिसकी वजह से ये जो उसका पोटेंशियल था वो कुछ अरसे के लिए डिफ्यूज़ हो गया। लेकिन जब ये आज़ादारी को दोबारा सही ट्रैक मिला और इसको सही रास्ते के ऊपर गामजन किया गया, उस वक्त जो है वो इस आज़ादारी ने अपनी ताकत, अपनी तवानाई और अपना सारा जो असर था उसको बहुत वाज़ेह तौर से और बहुत खुल करके जो है वो सबके सामने दिखाना शुरू किया और आज तक दिखा रही है। अच्छा, यहाँ पे आपने कुछ पहलू डिस्कस किए कि किस तरीके से तहरीकात हुई और किस तरीके से चीजों को बदल दिया गया। अगर आज एक आम अज़ादार है जो नहीं जानता मसलन के असल चेहरा क्या है अज़ादारी का, वो किन आदाफ को, किन चीजों को या किन अफकार को अपने जेहन में रखेगा कि मसलन मैं अगर अज़ादार हूँ, तो मुनक्किद करने वाला हूँ, तो मैं किन चीजों को जेहन में रखूँ कि मकसद इमाम हुसैन रोशन हो और मकसद इमाम हुसैन को किस तरीके से बयान किया जाए। और इसके साथ जो मैं ये जानना चाहूंगी कि इनकलाब इस्लामी का आपने जिक्र किया 2-3 बार, तो उसमें मैं ये जानना चाहूंगी कि उसमें आज़ादारी का रोल आपने कैसे, थोड़ा सा उसको अगर आप और एक्सप्लेन कर सके कि वो कौन से फैक्टर्स जो इमाम खुमैनी ने अपनी उस जदोजहद में इस्तेमाल किए जिससे वो सारा कुछ हुआ। और आपने ये भी जिक्र किया कि ये अफकार की जंग ज्यादा है बनिस्बत इसके कि हम अफकार को तलवार से लड़े। तो इमाम हुसैनी इमाम खुमैनी ने इमाम हुसैन से कौन से अफकार लिए थे कि जिसके बायस वो अफकार इस्तेमाल करके इनकलाब इस्लामी जैसा जो एक अमल हुआ और उस वक्त के बादशाह और उस वक्त के ताबूत जो है उनको सरनगुं करना पड़ा और दुनिया को पता चला कि ये चीज है जो जिसे जो अजादार एक मुहिब अहले बैत को करनी चाहिए और ये होना चाहिए और ये करने का ये सबसे पहली चीज़ यह है कि अगर इंसान सही तौर पे मकसद सैयद व शुहदा को जानना चाहता है तो उसका सबसे पहला सोर्स खुद कलाम सैयद व शुहदा है। आपका कलाम ये इंसान को हर चीज़ से जो है वो बेनियाज कर देता है। सैयद व शुहदा को मुख्तलिफ लोगों और मुख्तलिफ जो अफकार हैं उनकी नज़र में देखने की कोशिश करें। आए एक दफ़ा खुद सैयद शुहदा के कलाम को आप मुलाहिजा करें। आप अरबी जबान नहीं जानते, सैयद शुहदा का कलाम हर जबान में तकरीबन ट्रांसलेट किया जा रहा है, और अगर नहीं हुआ तो ये उलमा की जिम्मेदारी है उस जबान के उलमा की कि वो उसको अपने लोगों तक पहुँचाएँ। बस सबसे पहला जो मंबा है वो खुद कलाम सैयद शुहदा है, कि उनसे जो है वो आशनाई ज़रूरी है।
उसके बाद जो आज़ादारी का दूसरा जो वो है मेन सोर्स कह सकते हैं, वो कलाम बीबी ज़ैनब है। कि ये जो कलाम बीबी ज़ैनब था और आपके जो आमाल, खुद कलाम से बढ़कर एक और चीज़ होती है सीरत, यानी आपके आमाल और आपका किरदार, ये इस चीज़ के ऊपर गवाही देता है कि आप क्या करना चाहती थी और आपका मकसद क्या था। बस जो करबला जिन्होंने बर्पा की, उनसे बेहतर करबला की तफसीर कोई और नहीं कर सकता। तीसरा मंबा हम कह सकते हैं कि जो करबला से मुताल्लिक व जो आशूरा है उसके मुताल्लिक है, वह शख्सियत सैयद शहदा के बारे में है, वो कलाम आयमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम है, चाहे इमाम हुसैन से पहले हों या चाहे इमाम हुसैन के बाद हों, कि उन्होंने मकसद सैयद शहदा और आपके अहदाफ आलिया व आपके जो क़याम था उसको सही तौर पर बयान फरमाया है। इसके अलावा एक और चीज़, अगर हम थोड़ा सा अकली तौर पे गौर करने की कोशिश करें कि क्या ये मुमकिन है कि इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा एक मारका, और वो भी एक ऐसी ज़ात की जिनका कोई इकदाम किसी मकसद व हदफ के बग़ैर नहीं होता, क्या इतना सब कुछ बग़ैर हदफ के कर दिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लोगों के पास रोने के लिए कोई टॉपिक नहीं था, और लोगों को रोने के लिए एक टॉपिक फराहम करना है कि जिसके ऊपर लोग खूब गिरिया करें, खूब आंसू बहाएं, लिहाजा चलो हम चलते हैं अपने ख़ानदान को कुर्बान करके अपनी ख़वातीन को असीर करवा देते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए था? कोई आकल इंसान, चे जाए के मासूम हो, चे जाए के वो मकाम इस्मत के ऊपर फायज़ हो, दूसरों के लिए रोल मॉडल हो, कोई जब एक मामूली एक आकल इंसान ऐसा काम नहीं करता, तो सैयद शहदा जैसा इंसान कैसे ये काम कर सकता है? लिहाजा खुद अकली तौर पे भी इंसान जो है इस टॉपिक की तरफ जो है वो मुतवज्जे हो जाता है। इसके अलावा बाज़ उलमा ने जो है करबला की सही तौर पे तफसीर पेश की है, करबला को सही तौर पे उन्होंने बयान किया है, जिसके अंदर सबसे पहले हज़रत इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह आपने जा बजा अपने कलिमात के अंदर करबला व आशूरा को खूब खोल कर बयान किया है। इसके अलावा रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी के आपने कई मरतबा करबला को खूब खोल कर बयान किया, और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि रहबर का बस एक जुमला नकल करूँ कि जो क्लिप्स की शक्ल में बहुत ज़्यादा वायरल है, और आपने भी यकीनन सामीन व नाजरीन ने देखा होगा, या अगर नहीं देखा तो इसको तलाश करके ज़रूर देखें, कि सैयद शहदा ये के बारे में रहबर मुअज़्ज़म बयान फरमाते हैं कि सैयद शहदा की शख्सियत इस कदर मजबूत थी, इस कदर मोहकम व पायदार थी, किसी दबाव व किसी प्रेशर को आपने कबूल नहीं किया, यहाँ तक कि जब जो है वो मसन सैयद शहदा शब आशूर आपकी उम्र साद के साथ मुलाकात होती है, तो एक ऐसा आप तसव्वुर करें कि एक ऐसा इंसान कि जिसके सामने इतनी बड़ी अफवाज हैं, उसके अपने लश्कर की तादाद कम है, अपने लश्कर के अंदर ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद हैं, ये सब सूरत हाल, और उसके सामने इतना बड़ा लश्कर, खूब उसको तो साइकोलॉजिकली तौर पे और नफ्सियाती तौर पे अपने आप को कमज़ोर समझना चाहिए था, लेकिन जब सैयद शहदा की मुलाकात होती है तो सैयद शहदा उससे सवाल पूछ रहे हैं, उस पर एतराज़ कर रहे हैं, क्या उमर साद तुम क्यों नहीं हमारा साथ देते, तुम क्यों नहीं हमारी हिमायत करते, हमारी मदद करते हो, और उमर साद बहाने बनाता है, यानी उसकी एक डिफेंसिव पोजीशन है। बस आप यहाँ से देखें कि ये जो सैयद शहदा की तफसीर रहबर मुअज़्ज़म ने पेश की, आपकी शख्सियत का ये पहलू पेश किया, खूब ये हकीकत के अंदर सैयद शहदा का सही चेहरा है। इसी तरह शहीद मुतहरी रिजवानुल्लाह कि आपने भी जो है वो सैयद शहदा का जो है वो असली चेहरा आपने मुतारिफ करवाया। इस तरह से एक और जो अरब जबान के अंदर शख्सियत पैदा हुई जिन्होंने सैयद शहदा का खूबसूरत चेहरा और उनका हकीकी चेहरा मुतारिफ कराया, वो शहीद मोहम्मद बाकिर सदर हैं, कि आपने भी सैयद शहदा का यही चेहरा जो है वो पेश करवाया। बल्कि यहाँ पर जो है वो एक मशहूर व मारूफ वाक़या भी है जो आपकी उख्ते ग्रामी आमना बिनतुल हुदा उनके मुतालिक है, कि जब शहीद बाकिर सदर को सद्दामी हुकूमत जो है वो गिरफ्तार कर लेती है, जब आप क़याम करते हैं मुबारजा करते हैं, तो उस मौके पर सद्दाम जो है आपकी बहन को भी गिरफ्तार कर लेता है, और आपकी बहन इससे पहले कि उनको गिरफ्तार करे, जब खुद
मर जाए वक्त, चूंकि आयतुल्ला भी थे, दुनिया में उनकी तकलीद की जाती थी शहीद बाकर सदर की, तो उनकी बहन हरम अमीरुल मोमिनीन नजफ अशरफ के अंदर वहां पर जाती हैं और लोगों के सामने खिताब करती हैं कि लोगों, तुम्हारे मर जाए वक्त को सद्दामियों ने गिरफ्तार कर लिया है, लिहाजा उसके खिलाफ क्याम करो। तो यहाँ पर जब वो सद्दाम उन बीबी को, बीबी आमना बिनतुल हुदा को गिरफ्तार करता है, तो यहाँ पर कोई उसको मशवरा देता है कि कम से कम इन खातून को तो छोड़ दो, तो वो कहता है कि जो गलती यजीद ने की थी, मैं वो गलती करने को तैयार नहीं हूँ। बस आपने मुलाहिजा फरमाया कि ये शख्सियात इस तरह की बेतहाशा मौजूद हैं कि जिन्होंने करबला की सही तौर पे तफसीर और तशरीह की और करबला का हकीकी चेहरा पेश किया। इसी तरह उर्दू जबान के अंदर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने अपने अशआर के जरिए से करबला का हकीकी चेहरा जो है वो लोगों के सामने पेश किया। इसी तरह अहले सुन्नत के अंदर मौलाना मौदूदी हैं, व अहले तशय्यो के अंदर आगा सैयद जवाद नकवी, कि उनकी शख्सियत जो है, उन्होंने जो है क्या नाम है, करबला का एक हकीकी चेहरा लोगों के सामने मुतारिफ करवाया है। बस इस किस्म के उलमा मौजूद हैं जिन्होंने करबला का एक हकीकी चेहरा मुतारिफ करवाया है, और इनके अफकार की जानिब रुजू करना ये हमें सैयदुश्शुहदा के हकीकी मकसद से आशना करवाएगा। इसके अलावा आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि इमाम खुमैनी ने किस तरह से सैयदुश्शुहदा के क़याम से इस्तफादा किया, तो इमाम खुमैनी ने जब अपना क़याम शुरू किया तो वो आशूरा की तकरीर से आगाज़ किया कि यौम आशूरा, आपने वो जो मातमी जवान थे, वो जो जुलूस हाय अजाक थे, वो जो नौहा खान थे, वो जो जुलूस को लेकर जा रहे थे, आपने उनके सामने तकरीर की, और इस किस्म की तकरीर की कि जिसने लोगों को बेदार किया। बस जब भी मौका आता था तो इमाम खुमैनी मुहर्रम व सफर से जो है वो इस्तफादा करते थे। इसके अलावा आप देखें कि जब शाह की हुकूमत गिरने के बिल्कुल नज़दीक थी, यानी आखिरी जो साल था, उस साल शाह ने आशूरा के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। उसने कहा था कि आशूरा के ऊपर ना कोई मजलिस, ना जुलूस, ना कोई मातमदारी, कोई अजा, किसी किस्म का अहतमाम करना जायज़ नहीं है, यानी उसके कवानीन की नज़र में जायज़ नहीं है। उसने पाबंदी लगाई, लेकिन यहाँ पर इमाम खुमैनी ने उसको कहा कि नहीं, ये ज़रूरी है आशूरा, और वहीं से जो है वो क़याम वो और इनकलाब जो है अपनी तकमील व अपनी कामयाबी के आखिरी मराहल को उसने तय किया। बस ये सारे पहलू जब हम इंसान गौर करता है, और इसके अलावा दीगर पहलू हैं, किस तरह से अफकार इमाम हुसैन से इस्तफादा किया, उसमें वही बुनियादी उनसर जिससे इमाम ने इस्तफादा किया वो यही था कि बातिल के खिलाफ और बिलखसूस जालिम के खिलाफ इमाम ने जो है वो क़याम किया। और जालिम शाह, जिसने ना सिर्फ ये कि दूसरों पर जुल्म किया बल्कि अपनी अवाम पर जुल्म किया, किस किस लिहाज से जुल्म किया, बेतहाशा तौर पे उनको भूख और अफलास का शिकार किया। ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा कहत आया जिसके अंदर एक बड़ी जमीयत जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे, जबकि शाह अपनी अय्याशियों के अंदर उसने शहनशाहियत का 2500 साल जश्न मनवाया कि जिसका जो लागत थी वो पूरे साल का बजट वो उसके ऊपर खर्च किया, और उसके जो इंतजाम थे वो एक पूरी हुकूमत, एक पूरी गवर्नमेंट उसके बजट से ज़्यादा जो है वो बनते थे, और इतनी अय्याशी जिसमें पूरी दुनिया के सरबराहान मुमलिकत उनको बुलाया गया, और उसका जो जो आली इंतज़ाम था, यानी काबिल बयान नहीं है, काबिल तौसीफ नहीं है इस किस्म का। तो यहाँ पर इमाम खुमैनी इसी जुल्म की तरफ इशारा करते हैं कि जब लोग भूखे मर रहे हैं, उस मौके के ऊपर जश्न मनाना इन भूखे लोगों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। बस अब देखिए यहाँ पर लोग जो है खा ना खा बेदार होंगे, उनको जो है वो शऊर मिलेगा। बस इन अफकार, और इसके अलावा और भी अफकार हैं कि जिसको इमाम खुमैनी ने वाज़ेह व सराहत के साथ बयान किया, और यहाँ पर इख्तसार की वजह से और वक्त कम होने की वजह से उन सब की तरफ जो है हम इशारा नहीं कर पाएंगे। खुलासा कलाम ये है कि ये नहजत और सैयदुश्शुहदा का जो क़याम था, उसका जब हकीकी चेहरा लोगों के सामने आया और मिल्लत तशय्यो के सामने आया, तो उसने हर जालिम व हर बातिल सकाफत को जड़ से उखेड़ दिया। मैं चाहूंगी कि ओवरऑल जो हमने 10 सेशंस किए हैं उसका एक तो शॉर्ट सी समरी दीजिएगा,
इन 10 सेशंस का जो समरी है वो इस तरह से आपकी खिदमत में मैं अर्ज करता हूँ कि सबसे पहले सेशन के अंदर हमने लोगों की आवाम की बेहसी के मुतालिक गुफ्तगू की कि चूँकि हमारी गुफ्तगू इस्तकबाल माह मुहर्रम हराम के हवाले से है, लिहाजा माह मुहर्रम हराम में जब हम सैयद शहदा के मेहमान हैं और हमारे मेज़बान सैयद शहदा हैं तो उनसे उनका मकसद लेने के लिए हमें एक क्वालिटी और एक सलाहियत की ज़रूरत है जिसका नाम है हिस या एहसास। कि एहसास ना हो या हिस ना हो और इंसान बेहिस हो उस वक्त इंसान सैयद शहदा से कुछ भी दरियाफ्त नहीं कर सकता। उसके बाद कुरान करीम की नज़र में हमने हक और बातिल की तारीफ़ देखी कि कुरान हक और बातिल को किस तरह से डिफ़ाइन करता है, हक के मनाबे क्या हैं। अगर इंसान चाहता है कि हक को तशख़ीस दे, हक की शनाख्त हासिल कर सके, तो शनाख्त हक के क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या मनाबे हैं, इनको इनके ऊपर तफसीली जायज़ा लिया जिसमें से कुरान मजीद, सुन्नत अहले बैत, आइम्मा ताहिरीन और सबसे बड़ा मंबा इंसान की अक्ल है व इंसान की फितरत है, इंसान का ज़मीर है। इसके साथ साथ हमने और एक और चीज़ जिसकी तरफ देखी जो हमारे माशरे के अंदर कन्फ्यूजन का एक बहुत बड़ा सबब भी है और वो है शख्सियात, पर्सनैलिटीज़, कि जब वो पर्सनैलिटीज़ जो है वो हक के मुकाबले में आकर खड़ी हो जाती हैं तो यहाँ पर इंसान जो है वो हैरत व सरगर्दानी व कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। लिहाजा हमने ये देखा कि इंसान को ऐसे मौके के ऊपर क्या करना चाहिए, पर्सनैलिटीज़ के पीछे चले या हक का साथ दे, अवामुन्नास का रवैया क्या होता है हक के मुकाबले में, और क्या आया अक्सरियत ये हक पर होने की दलील है। कि हम ये देखें कि जिस तरफ अक्सरियत है उसी तरफ हक मौजूद होगा तो आयात व रिवायात व सीरत आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की रोशनी में हमने देखा कि अक्सरियत हक पर होने का मेयार नहीं है। उसके बाद जिस चीज़ की तरफ हमने इशारा किया और जिस चीज़ को थोड़ा सा जो है सामीन व नाज़रीन के सामने बयान करने की कोशिश की वो था तारीख़ के अंदर कुरान मजीद की निगाह से हक व बातिल के मराहिल हैं कि हक व बातिल ने कौन कौन से मराहिल को तय किया और किस किस तरह से हक और बातिल की नबर्द वो आगे बढ़ी। कि जिसके अंदर 5 मराहिल को जिक्र किया जिसमें सबसे पहला मरहला कि जब हक और बातिल की नबर्द एक इनफरादी रुख अख्तियार करती है, एक इनफरादी चेहरा होता है उसका, जैसा कि शैतान व आदम की दास्तान में था, व दूसरा जो नमूना है इसका वो हाबिल व काबिल हज़रत आदम के 2 बेटों की दास्तान में है। उसके बाद ये नबर्द यहाँ से निकल कर एक मुआशरती शक्ल अख्तियार कर लेती है, जैसा कि हज़रत नूह अला नबीना वालेही आपने अपने मुआशरे के ख़िलाफ़ जो है वो क़याम किया। इसके बाद तीसरा मरहला जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया वो जबकि मुआशरे के ऊपर एक हुकूमत भी आ जाती है और साथ साथ एक मजहबी तबका भी पैदा होता है कि जो हक से लोगों को दूर कर रहा होता है। यहाँ पर हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जो है आपके मुकाबले की जो हुकूमत वक्त थी नमरूद की उसकी मिसाल, और जो बुत परस्त और बुतगर थे, जो बुत साज थे जिनका नमूना जो है वो आज़र के तौर पे पेश किया गया है वो आपकी खिदमत में हमने अर्ज़ किया। चौथा मरहला जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो है वो क़याम है और उनकी हक के दिफा के अंदर बातिल को ख़त्म करने के लिए कोशिशें हैं। कि जो मरहला है वो है कि जब बातिल एक सकाफ़ती शक्ल अख्तियार कर लेता है, और पांचवा मरहला जो है वो जब बातिल एक तमद्दुन और एक तहजीब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और आखिरी नुक्ता जिस पर हमारी गुफ्तगू का अख्तिताम हुआ वो ये है कि सैयद शहदा का किरदार हक और बातिल की नबर्द में वो एक आलमी व आफाकी किरदार है। आफाकी किरदार से मुराद किसी जमान के अंदर मुकैद नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ 61 हिजरी के अंदर वो किरदार उसी जमाने के लिए मखसूस था, नहीं, बल्कि वो किरदार एक आफाकी, एक यूनिवर्सल व एक इटर्नल जो है वो किरदार था कि जो आज के दौर में भी अपना किरदार अदा कर रहा है। लिहाजा खुदावंद मुताल से हम इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं कि खुदावंद मुताल हमें हक और बातिल को तशख़ीस देने के बाद उसकी खातिर अपनी तमाम तर सलाहियात, अपनी तमाम तर क़ुव्वतें, अपनी तवानाइयाँ
इस हक़ के रास्ते में सर्फ़ करने और बातिल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की तौफीक इनायत फरमाए। सामीन की खिदमत में बस एक जो आपने जैसा कि अगर दरख्वास्त की है तो उसके जवाब में सिर्फ ये कि ये मौजू हक़ और बातिल बहुत अहमियत का हामिल है। अहमियत का हामिल इसलिए नहीं कि चूँकि बंदे हकीर ने इस मौजू को बयान किया ना, बल्कि आप तारीख़ के अंदर देखें या किसी भी पहलू से देखें, इस मौजू के ऊपर आप मोमिनीन से दरख्वास्त है व सामीन व नाजरीन कराम से दरख्वास्त है कि हतमन इस मौजू को मुफक्किरीन की रोशनी में और बुज़ुर्ग उलमा के कलाम व बिलखुसूस कुरान मजीद की निगाह में ज़रूर मुतालिया फरमाएं। और कुरान मजीद की 180 से ज़्यादा मरतबा कुरान मजीद ने खुद कलिमा हक इसको अलिफ लाम के साथ यानी अल हक के साथ जो है वो बयान फरमाया है। बस इससे इस मौजू की अहमियत का अंदाज़ा होता है। और इन जलसात, इन नशस्तों व इन सिटिंग्स के अंदर जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है, ये हर्फ आखिर नहीं है। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो कहने वाला और सुनने वाले या देखने वाले जो है उन्होंने इस मौजू के ऊपर मुकम्मल अहाता कर लिया है, बल्कि आप जो है वो इस मौजू को मज़ीद ख़ुद से अपने मुतालियात की शक्ल में अपने जो है मज़ीद और आप रिसर्च करें इस मौजू के ऊपर तहकीक की शक्ल में व कलाम आइमा अहले बैत को बराह रास्त व सबसे बढ़कर कलाम खुदा किताब खुदा को बराह रास्त पढ़ें, या नहीं तो बुज़ुर्ग मुफक्किरीन की नज़र में, जैसे यहाँ पे मैं आपके सामने चंद एक मनाबे और सोर्सेज आपकी खिदमत में व किताबें इसी हवाले से अपने उर्दू ज़बान नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि एक किताब शहीद मुतहरी रिजवानुल्लाह अलैह की है जिसके अंदर जिसका मौजू ही हक और बातिल है, और इस किताब का जो है वो उर्दू के अंदर तर्जुमा किया गया है। दूसरी किताब जिस मौजू के ऊपर बहुत मुफीद है और बहुत अच्छी किताब है वो है हक और बातिल, वो है करबला हक और बातिल में जुदाई का मेयार, जो उस्ताद मोहतरम आगा सैयद जवाद नकवी की किताब है करबला बउनवान करबला हक और बातिल में जुदाई का मेयार। ये दो किताबें जो है एक खूबसूरत किताबें हैं, लिहाजा इनकी तरफ भी रुजू करें और हमेशा इस मौजू को अपने जहन में रखें और इसकी जस्तजू में लगे रहें कि खुदावंद मुताल से एक बार फिर हम इल्तमास करते हैं व दुआ करते हैं कि खुदावंद मुताल हमें बर वक्त हक को तशखीस देने और उस हक की खातिर अपने जान माल हर चीज़ से गुजर जाने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला से और सैयद शुहदा से यही तकाजा करें कि अल्लाह ताला हमें वो हिस्स अता करे, वो पाकीजगी अता करे, वो तहारत अता करे कि जिसके बायस हम अपने वजूद को उस दर्द को, उस तकलीफ को और उस हदफ को महसूस करने लायक बना सके कि जो हदफ सैयद शुहदा का था, और वो हदफ तमाम बातिल तहजीबों को जो है अपने अफकार के साथ, अपने किरदार के साथ, अपनी सीरत और अपने जो है पाकीजगी और तहारत के साथ जो है ला कहने का था और उसके खिलाफ स्टैंड लेने का था। और उसके लिए हमें किसी जो है तलवार या किसी और रास्ते को अपनाने की जरूरत नहीं, बल्कि हमारा किरदार ही सबसे बड़ी तलवार है और हमें सैयद शुहदा से इसी चीज को तलब करना चाहिए, खसूसन आज के दिन जो कि आशूरा का दिन है, जो कि दुख का दिन है, अजियत का दिन है, तकलीफ का दिन है, और तमाम आलम इस्लाम के लिए, तमाम जो है खसूसन दार हुसैनी के लिए ये दिन बहुत दर्द का दिन है। इस दिन में हम रब ताला से दुआ करते हैं कि सैयद शुहदा के सदके में, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में हमें तौफीक अता करे कि हम भी सैयद शुहदा के रास्ते को अपनाएं और इमाम वक्त से मुतसिल हो और अपना जान, अपनी माल, अपनी हर महबूब तरीन चीज को अल्लाह रसूल और अहले बैत की राह में, हक की राह में जो है इस्तेमाल करें और बातिल को शिकस्त दें अपने किरदार, अपने अफकार और अपने अमाल के जरिए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।